इंदौर जिले में लगातार कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है। बुधवार को आई रिपोर्ट में मरीजों का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया। 189 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ 11 रिपीट पॉजिटिव मिले हैं। इन मरीजों को मिलाकर अब इंदौर में कुल 10,559 पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें से 349 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,740 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 3,070 है। प्रभारी CMHO डॉक्टर पूर्णिमा डागारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कुल 186,437 लोगों की जांच की जा चुकी है और 2,090 सैंपल लिए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। कल के दिन रिपोर्ट देखे 189 पॉजिटिव आए और सैंपल करीब 2,900 सैंपल लगाए गए, इसमें से नेगेटिव सैंपल 2,697 थे, पूरे 2,700 के करीब, और डेथ से हमारी 349 हो गई हैं। टोटल यदि हम पॉजिटिव देखें तो ये 10,559 हो गए। और कल तक जो टेस्ट लगाए गए वो 186,437 हो गए हैं। यदि हम डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या देखेंगे, उपचार के बाद डिस्चार्ज हुए 7,140, अभी जो उपचारित केसेस हैं वो 3,070 केसेस उपचारित हैं।